जैसे मैं बता रहा था, बैंकॉक स्कैम्स बहुत चालू हो गए हैं। स्कैम्स पहले भी होते थे, लेकिन जैसे जैसे टूरिस्ट यहाँ बढ़ रहे हैं और थाईलैंड ने अभी सभी के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो उस हिसाब से इसके स्कैम्स भी बहुत बढ़ गए हैं। इनका एक स्कैम सबसे ज़्यादा है, वो है मनी एक्सचेंज के अंदर। आप थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ मनी एक्सचेंजर्स अपनी एक्सचेंज फीस ले रहे हैं जो एक्चुअली नहीं होती। एक्सचेंज अगर आपको मनी करनी है तो आप बेटर है आप कोई भी थाईलैंड का बैंक चूज कीजिए और वहाँ से मनी एक्सचेंज करवाइए। अगर आसपास में बैंक नहीं है या लेट नाइट अगर आप कुछ कराने का काम पड़ गया, तो उस केस में आप जो मनी एक्सचेंज आप कर रहे हैं उस मनी एक्सचेंज से पहले आप रिसिप्ट ले लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि कुछ कमीशन्स वगैरह वो लोग ले रहे हैं। इसके अलावा जब वो करेंसी आपको दे चेंज करके, तो उसे अगर डबल चेक ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों को क्या करेंसी का पता चलता नहीं, जैसे 500 का 100 का सब एक जैसे लगते हैं, तो उसमें वो लोग बड़ा झोलझाल करते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है, उसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगा, मैंने शूट किया था। हालांकि उस लेडी ने मुझे देख लिया शूट करते हुए, तो उसने बात को थोड़ा रफा दफा कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। जो थाईलैंड में अभी चल रहा है वो यह है, जब भी आप कोई भी प्राइवेट टैक्सी एयरपोर्ट से या कहीं से भी हायर करते हैं, चाहे वो प्रीपेड हो या आपने वैसे हायर की हो, वो वीडियो रोकना पड़ा, पुलिस वाले ने रोक लिया था। तो ये बता रहा था, जब भी आप टैक्सी करते हैं प्राइवेट या कुछ भी, तो ये लोग सब कुछ फिक्स होने के बाद में आपको हाईवे पे करने का बोलेंगे। हाईवे ये बोलेंगे, हाईवे आप पे कीजिए, टैक्स में इंक्लूड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी टैक्सी करते हैं हाईवे वो ही पे करेगा। आप ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेगा ओके ओके 100 पार्ट आप दे दीजिए, हाईवे में पे कर दूंगा मीटर के साथ में। लेकिन यहाँ हाईवे का जो भी चार्जेस है वो 25 बार्ट्स ही हैं, तो आप उसको फोर्स कीजिए या उसको बोलो रोक दो, मैं दूसरी टैक्सी कर लूँगा। उस टैक्सी में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो एट लास्ट वो मान जाएगा। हाईवे नहीं पे करना, हाईवे जो भी टैक्सी वाला होगा वो खुद पे करेगा। एक स्कैम और यह है, अगर आप यहाँ अपनी रात रंगीन करने आए हैं या कोई भी अगर आपको नवाबी टाइप का शौक़ रखते हैं, और इसके लिए अगर आप खाउसान या वॉकिंग स्ट्रीट पर घूम रहे हो, और कोई भी अगर अच्छी स्कूल या कॉलेज गर्ल अगर आपको आगे अप्रोच करती है, अगर बहुत जल्दी फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, तो उसे बचिए, दूर रहिए, सिंपली मुस्करा के मना कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, ये एक्चुअली गर्ल्स या ये जो भी क्या बोले उनको, ये पूरी ग्रुप में गैंग में चलती हैं, आपको अप्रोच करेंगी, आपको ये वाइन या बियर के लिए बोलेंगी, आप चले जाएंगे, दो चार मिनट में आपसे ये एकदम फ्रेंडली क्या ओवर फ्रेंडली हो जाएगी, इधर उधर टच करना शुरू करेगी, और फिर क्या चाहिए आपको, आपके तो बल्ले बल्ले निकल पड़ी। ऐसा नहीं है, वो आपको जैसे ही कोई पार्किंग में या कहीं भी लेकर जाएगी, हल्ला मचाना शुरू कर देगी, और उसके ही कुछ भाई लोग दोस्त लोग आ जाएंगे और धनाधन धनाधन आपकी सनी बाजी की तरह पिटाई शुरू कर देंगे। और यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है, पुलिस वाला भी ऑलमोस्ट उसके साथ मिला हुआ होगा। तो भाई यहाँ आए हो, घूमो फिरो मज़े करो, ये शौक कहीं और पूरे कर लो। हालांकि ये फेमस इसीलिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहें। एक यहाँ का सबसे फेमस और बहुत पुराना स्कीम है, वो है जब भी आप स्पेशली बैंकॉक के अंदर गोल्डन टेम्पल या रिक्लाइंग बुद्धा के तो जाएंगे और किसी टुक टुक को बोलेंगे, तो ये बोलेगा आज वो बंद है, या कुछ भी ऐसे रीज़न देगा कि आज बंद है, वो आज उधर बंद कर रखा है, काम चल रहा है, वॉट एवर, तो मैं आप कहीं और ले चलता हूँ, तो सिंपली उसको मना कर दीजिए। ऐसा नहीं है, ये कभी बंद नहीं होने वाले अट्रैक्शंस हैं। आप किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को या किसी जेन्युइन आदमी को पूछिए, वो हेल्प करेंगे। वैसे थाई लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हैं, लेकिन गंदगी हर जगह होती है। ये सबसे ज़्यादा होने वाला स्कैम में से एक है, गोल्डन बुद्धा बंद है या वात अरुण बंद है, तो उनसे बचिए। आप अपने आप उस पर टिके रहिए कि नहीं मैं पता कर लूँगा, बहुत पीछे पड़ेगा, लेकिन आप उसको सिंपली इग्नोर कर दीजिए, हंस के मना कर दीजिए, कुछ आर्गूमेंट नहीं करना, क्योंकि जो ये लोग भटकने के बाद में पागल से हो जाते हैं, नई जगह है, नया देश है, तो बेटर है किसी आर्गूमेंट से बचिए, चुपचाप घूमिए, निकल जाइए। एक और स्कैम
और है जो मेरे साथ में भी लास्ट टाइम हुआ था। इसमें क्या होता है, जब अगर आप अकेले हैं या किसी पार्टनर के साथ अगर आप रोड साइड वॉक कर रहे हैं, तो दो बंदे पुलिस वर्दी में तो नहीं होंगे लेकिन पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, वाइट हेलमेट लगाए हुए, सडनली आपके पास में आएंगे, रुकेंगे और एक फेक पुलिस का आईडी आपको दिखाएंगे और बोलेंगे पर्स दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, अपना बैग दिखाइए, कितने पैसे हैं, बला 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 करके वो चेक करेंगे। तो उनसे भी आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, अगर वो बोले तलाशी के लिए तो सिंपली बोलिए ठीक है, आईडी तो आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो आपको एक सेकंड में दिखाएगा और वापस पर्स में रख लेगा। तो उसे बोलिए मैं यहाँ अपनी तलाशी देने वाला नहीं हूँ, जो भी पास में आपके पुलिस स्टेशन में या पुलिस चौकी या कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो आप वहाँ चलिए, वहाँ जो भी है मैं आपको दिखाऊँगा और फुल कोऑपरेट करूँगा। रोड पर आप कुछ मत दिखाइए उसको, कोई उसको उसके हाथों में अपना पासपोर्ट पर्स कुछ मत दीजिए, 99.99% वो फर्जी होते हैं। दूसरा, ये करने वाले में से ज़्यादातर लोग या तो अफ्रीकन, नाइजीरियन या इवन कुछ अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि थाई पुलिस के अंदर कोई भी फॉरेनर किसी दूसरी कंट्री का नहीं है, पुलिस वाले यहाँ सारे लोकल थाई ही हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको मना कीजिए, बोलिए आप चलिए वहाँ पर पुलिस स्टेशन चलिए, या आप यहाँ का जो लोकल पुलिस नंबर है उस पर उसका सामने डायल कीजिए, रुको मैं यहाँ PCR बुलाता हूँ फिर बात करते हैं, इतना बोलेंगे वो सिंपली भाग जाएगा या कुछ भी कहकर डाल देगा। ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, स्पेशली ये इंडियंस और इन कंट्री साइड के लोग हैं जो थोड़ा डरते हैं, पुलिस वुलिस से डरते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। मेरे साथ जब हुआ था तो दो लोग आए, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेना चाहा लेकिन मना कर दिया, मेरे पास में नंबर था पुलिस का, जैसे ही मैंने डायल किया वो लोग ओके ओके करके निकल गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। एक और थाईलैंड का बहुत पुराना और बहुत फेमस स्कैम है ज्वेलरी स्कैम या जेम्स स्टोन स्कैम्स। इस स्कैम्स में भी ऑलमोस्ट जो शौकीन लोग हैं ज्वेलरी के या जेम्स स्टोन्स के वो इसमें फंसते ही फंसते हैं। अगर बैंकॉक की अगर बात करें और बैंकॉक में अगर खाउसान या सिलोम अगर एरिया में अगर आप हैं और कुछ जेम स्टोन्स लाइक रूबी, सफ़ायर कुछ अगर चाह रहे हैं तो प्लीज़ किसी भी ऐसे दुकान पर या वेंडर पर आप मत जाइए। अब वो कुछ और दिखाएगा आपको, शायद वो स्टोन सर्टिफाइड भी दिखाएगा लेकिन जब पैक का टाइम आएगा वो चेंज हो जाएगा या आपसे 10 times ज़्यादा वो पैसों की डिमांड करेगा। अगर आप चांतापुरी एरिया में है जो कि एक्चुअली जेम स्टोन्स का मार्केट है, उधर अगर भी आप हैं तो आप बिना किसी लोकल एजेंट या किसी लोकल गाइडेंस के बिना वहाँ मत जाइए, वहाँ आपकी जेबें कट के ही आएंगी और आप कुछ भी सही से नहीं ले पाएंगे। ज्वेलरी स्कैम जो है वो सिलोम और खाउसान एरिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको वो 99.9% या उसकी परसेंटेज की चांदी का ज्वेलरी दिखे देंगे, लेकिन आप जब भी लेके अपने कंट्री में वापस आएंगे और कुछ भी जिन से अगर उसको आपको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो मालूम चलेगा वो चांदी है ही नहीं, वो 0 tons चांदी है, पैसा आपने 99 tons चांदी का दिया है। तो कोई भी रेपुटेटेड अगर फर्म ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अगर आप करेंगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, उतने में मेरे ख्याल से आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। तो इसीलिए जेम्स वगैरह का यहाँ दिमाग मत लगाइए, कोई अगर आपके टच में हो, कोई आपस में सोर्स हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ रोड साइड या ये जो लोकल वेंडर से आप दूर रहिए, इसमें आप अपना दिमाग नहीं मत लगाइए, अच्छा रहेगा। यह स्कैम उन भाई लोगों के लिए है जो यहाँ अपने जवानी की गर्मी निकालने आते हैं, कुछ अपने रातों को रंगीन करने आते हैं, तो उनके लिए यह है कि भाई लोग यहाँ आते हो और अगर कोई टुक टुक ड्राइवर या कोई ऐसा बंदा अप्रोच करता है कि ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, इसका ये पैसा है वो पैसा है, तो थोड़ा सा यहाँ भी आप सतर्क रहिए। अगर एक बार अगर आप उनके जो भी सेटअप है वहाँ चले गए तो वहाँ से निकल के आना लगभग मुश्किल है, वो लोग आके कपड़े भी खुलवा लेंगे और कुछ होगा भी नहीं। अगला स्कैम है अगर आप कोई भी स्कूटर रेंटल पे ले रहे हैं या पटाया साइड में कोई जेट स्की ले रहे हैं रेंटल पे, तो
जो भी आपका प्राइस आपने फिक्स किया है उसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आप उस जेट्स की या रेंटल का स्कूटर है आप उसकी वीडियो बनाइए, और उस वीडियो में जो आपको वो स्कूटर या जो भी व्हीकल आप ले रहे हैं वो जो आपको हैंडल कर रहा है उसका भी वीडियो शूट कीजिए। और बेहतर है कि आप उस टाइम डेट और टाइम भी वीडियो में बोल दीजिए, और वीडियो में ही अगर कोई स्कूटर पे या जेट्सकी पे स्क्रैच या कोई डेंटिंग वगैरह है तो आप उसको बता दीजिए। क्या होता है जब भी अपन आएंगे अप्रोच करेंगे वो हमें जेट्सकी या स्कूटर दे देगा, लाइसेंस या पासपोर्ट अपने पास में रख लेगा और हम जोश जोश में लेके निकल जाएंगे। शाम को जब वापस देने आएंगे तो बोलेगा साहब ये देखें यहाँ ये स्क्रैच लग दिया या डेंटिंग है यहाँ ये है वहाँ है, और उस केस में आप वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पासपोर्ट उनके पास में है। अगर आप पुलिस को भी बुलाते हो तो आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होगा कि ये स्क्रैच या ये जो भी डैमेज हुआ है ये पहले का है, पुलिस भी इसमें आपको कोई हेल्प चाहकर भी नहीं कर लीगली नहीं कर पाएगी। तो बेहतर अगर आप कुछ भी अगर व्हीकल ऐसा रेंटल पर ले रहे हैं उसका पूरा चारों तरफ चक्कर लगा के उसका क्लोजअप से वीडियो बनाइए, वीडियो के अंदर टाइम और डेट भी बोलिए, और कोशिश कीजिए कि जो ऑनर है जो आपको हैंडओवर कर रहा है उसका वीडियो भी उसके साथ में शूट हो। ये आपके लिए सेफ साइड है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लीजिए क्योंकि ये स्कैम भी यहाँ बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। अगर स्कूटर वगैरह आप रेंटल पर ले रहे हैं और आपके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ से आप रेंट पे लेंगे अगर आप सब पूछेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं सर कुछ नहीं है यहाँ सब लोग लेते हैं, देखिए वो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। जैसे ही आप स्कूटर या बाइक लेके निकलेंगे पुलिस वालों को मालूम होता है फॉरनर है और वो लोग आपको रोक लेंगे, या मांग के चलिए आपको हर जगह हर डे आपको फाइन देना पड़ेगा। स्कूटर का रेंट जो यहाँ पे लगभग है 250 से 300 बाट है, और जो फाइन लगेगा वो 300 टू 400 बाट और लगता रहेगा। तो अगर इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो बेटर आप इंटरनेशनल ड्राइवर से बनवा लीजिए, 1000-1200 रुपये का आपका फ़ीस लगेगा, 1 ईयर वैलिड है, वो आपके लिए सेफ साइड रहेगा।